आज की रेसिपी में हम बनाएंगे एक टिफ़िन बॉक्स रेसिपी। तो हाय एवरीवन, मैं हूँ नताशा केडिया और स्वागत है आपका मेरे कुकिंग ब्लॉग्स में। मैंने ब्राउन ब्रेड ली है, 4 ब्राउन ब्रेड ली है और इसको मैंने राउंड शेप में कट कर लिया और बाकी के जो साइड के पीसेस हैं ना, इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बहुत ही इजी रेसिपीज़ देखने को मिलेगी आपको। ये मैंने राजमा लिया था जिसको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था और इसके बाद अब इसको मैं उबाल लिया था और इसको अच्छे से मैश कर देंगे। आप इसे चाहें तो फोक से भी मैश कर सकते हैं और पोटैटो मैशर जो आता है ना, उससे भी मैश कर सकते हैं। इसको अच्छा से दबा दबा के हम मैश कर लेंगे और फिर इसमें एक आलू लेंगे, बॉइल्ड आलू लिया और ये उसको ग्रेट कर देंगे हम इसको। अब इसमें ऐड करेंगे हम नमक, साथ ही ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, ऑरेगानो और टेस्ट के लिए थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग। 2 चम्मच प्याज डाला मैंने इसमें और 2 ही चम्मच शिमला मिर्ची ऐड करी। आप चाहें तो ये दोनों ही चीज़ स्किप भी कर सकते हैं, उसके बिना भी बहुत अच्छा बनेगा क्योंकि फ्लेवर्स आ ही जाते हैं। साथ ही में मैंने इसमें ऐड की थी 1 चीज़ क्यूब, तो इसमें क्या होता है ना, थोड़ा स्वाद रहता है तो बच्चे इजीली खा लेते हैं टिफ़िन में, तो उनको थोड़ा सा टेस्ट चेंज कर करके देना रहता है। देन इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करा और इसकी टिक्की बना ली मैंने और फिर इसको मैंने किया ब्रेड क्रम से कोट। इसी टाइप से मैंने सारी टिक्की बना के उन्हें ब्रेड क्रम से कोट कर लिया था। तो आज की ये रेसिपी होने जा रही है राजमा टिक्की बर्गर। अब इसके बाद ना थोड़ी देर के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे तो ऐसा सेट होने के लिए, और फिर बाद में एक पैन चढ़ाया और पैन में घी तेल आपकी जो सूटेबल होता है वो डाल के हम इनको सेक लेंगे। और ये कटोरी में मैंने मायनीज और सॉस का मिक्स बना के रेडी किया और जो ब्रेड मैंने गोल गोल कट की थी ना उन पे लगा दिया। अब मैंने पैन में घी डालकर इन सभी टिक्की को अच्छे से सेक लिया था। दोनों ही साइड से सेकेंगे हम जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसकी प्रिपरेशन आप नाइट में भी करके रख सकते हैं, अगर आपको टिफ़िन में देनी हो तो राजमा और आलू बॉईल करके रख लेंगे ना तो काफ़ी इजी रहता है, और ब्रेड क्रम्ब बना के रख सकते हैं, प्लस ब्रेड को भी राउंड शेप में काट के नाइट में ही रख सकते हैं, तो सुबह जस्ट 15 to 20 मिनट्स में बन के रेडी हो जाएगी। आप चाहें तो केवल एक ब्रेड पे मायनीज और सॉस लगा के टिक्की के रूप में भी दे सकते हैं और चाहें तो इसको बर्गर बना के भी दे सकते हैं। और चाहें तो बच्चे इसको टिक्की को अलग से ही खाना चाहें तो वैसे भी खा सकते हैं। और ये एक पलड़े से बहुत मुश्किल हो जाता है इनको टर्न करना, तो मैंने दोनों का यूज़ किया था। तो उसके बाद इन दोनों को भी अच्छे से सेक लेंगे ताकि ब्रेड भी थोड़ी सी कुक हो जाएगी। और सर्व करेंगे कट करके इसको प्लेट में। सो रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।